पसंद है। जैसे कि मैंने आप मेरे इसके पहले वाले वीडियो को देख सकते थे, मैंने इसका ड्रोन मोटर बनाया था। तो ये फिलहाल फ्लाई तो नहीं कर रहा था क्योंकि इसमें एक ही मतलब मैंने सिंगल मोटर लगाया था। आज मैं दोस्तों इसके पीछे ना तीन मोटर और ऐड करने वाला हूँ। ये सब देख सकते हैं, मैं ऑलरेडी मोटर का सैंपल बना चुका हूँ। मैं देखिए इस तरह से, तो हमें इसमें तीन मोटर और ऐड करना है इसके लिए। और ये मैं आज ये अपना यूएसबी केबल का ना यूज करके मैं ये बैटरी का यूज करने वाला। मैंने बैटरी बना लिया, ये बैटरी का आज मैं यूज करने वाला। जैसे कि आप देख सकते हैं ये चार्ज बैटरी है और एक फुल स्पीड में नाचेगा भी, देख सकते हैं आप। मैं आपको एक बार चला के दिखा देता हूँ। देख सकते हैं फुल चार्ज है। तो फटाफट जब तक मैं इसको मतलब इसके साइज में बनाता हूँ, फिलहाल देखो ऐसे इस तरह से मैं इसको मतलब बनाने वाला। मैं जब तक मैं इसे बना तब तक आप मेरे चैनल वगैरह पहली बार आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर लो, शेयर कर लो और सब्सक्राइब कर लो। इसे मुझे वापस से होल करना होगा, तो इसे मुझे नाप करके एक बार होल करके बना के मैं दिखा देता हूँ मैं आपको। ड्रोन मोटर तो हो गया बन के तैयार, बट खाली भी इससे हमें इसका वायरिंग करना होगा। तो वायरिंग करने के लिए क्या करना होगा हमें, इसके बीच में जैसे ये है इधर पे हमें खोल करना होगा, यहाँ पे खोल करना है, यहाँ पे खोल, क्योंकि हम इसका वायर अभी बाहर से नहीं निकालेंगे। तो हम खाली क्या करेंगे, एक प्लग यहाँ से जोड़ देंगे और बाकी इसका वायरिंग हम अंदर से ही करने वाले, क्योंकि ये बैटरी का हम यूज़ करने वाले। तो फटाफट मैं इसका वायरिंग भी कर देता हूँ आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए। वायर अंदर डाल दिया, जैसे देख सकते हैं इसे मैंने पूरा इसका वायर में अंदर की तरफ कर दिया। बस इसे हम ढक्कन खोलते हैं, ऐसा खुल जाए सिम सिम, ये हो गया हमारा ढक्कन खुल गया। अब हम क्या करेंगे, जो इसका वायर है ना दोस्तों, इसका वायरिंग हम करते हैं ऐसा, इसका एक के साथ एक अंदर जोड़ के हम वायरिंग इसका कर लेते हैं फटाफट। बड़ी मुश्किलों से मैं इस ड्रोन मोटर को बनाकर तैयार कर दिया दोस्तों। ड्रोन मोटर बनाना तो बहुत आसान था, मैंने इसको बना लिया था, बट इसका जो वायरिंग करा था ना दोस्तों, वायरिंग मुझे बहुत थोड़ा हार्ड लग रहा था, क्योंकि वायरिंग में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था करके। फिर भी मैंने इसको बनाकर तो तैयार कर ही दिया। ये थोड़ा नीचे साइड हो गया, कोई बात नहीं, तो इसको मैं ऊपर की तरफ कर देता हूँ बराबर। ये देखो दोस्तों, मैंने इसके पीछे से मेरे पास स्विच नहीं था तो मैंने इसका वायरिंग ऐसा कर दिया है। तो इसको मैं आपको दिखा सकता हूँ कि वर्क करता है कि नहीं करता है, खाली इसका एक बार वायरिंग छोड़ के। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए वर्क तो कर रहा है ये। तो ऐसा करते हैं, इसे एक बार मैं आपको वर्क करा के दिखाता हूँ ये क्या वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए दोस्तों, ये हमारा ड्रोन मोटर बन के हो गया तैयार। मैं आपको दिखा सकता हूँ कितना स्पीड है, वो देख सकते हैं। ये हमारा उड़न खटोला हो गया बन के तैयार। तो मैंने नीचे स्विच के तौर पे मैंने इसका ये वायर मतलब ये यूज किया, वायर के जरिए मैंने इसको यूज किया और इसमें तीन तीन पंखे लगा दिए, आप देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। फिलहाल ट्राई तो नहीं कर रहा पर बना तो बहुत अच्छा है।